नमस्ते बच्चों, मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है चित्र वर्णन। चित्र मतलब चित्र को देखकर उसके बारे में बताना, उसे हम कहते हैं चित्र वर्णन। जब हम किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, चित्र वर्णन में सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए, उसके बाद उसमें जो जगह दिखाई गई है उसका नाम लिखिए, फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके नाम लिखिए, उसके बाद उसमें क्या हो रहा है वो लिखिए, और अंत में जो वो इस चित्र के ज़रिए संदेश देना चाहता है वो लिखना है आपने। ठीक है, चित्र वर्णन करते समय हमें भाषा सरल रखनी है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, जितनी शब्द सीमा कही गई है उसी शब्द सीमा में वर्णन करना है, निश्चित क्रम में करना है, जो भी चित्र में दिखाया गया हर चीज़ को बताना है, व्यर्थ की बातें हमें चित्र वर्णन में नहीं लिखनी। ठीक है, तो अब हम एक चित्र वर्णन करते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में क्या दिखाया गया है। एक गांव का चित्र है ना ये। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट लाइन बन गई, यह एक गाँव का चित्र है। ठीक, अब इस चित्र में कौन कौन है आपने ये लिखना है। ठीक है, हमारी दूसरी लाइन बनी, इस चित्र में 5 बच्चे और 2 बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। आप देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, देखो इसमें 2 लड़के झाड़ू लगा रहे हैं, एक लड़की कूड़ा इकट्ठा कर रही है और दूसरी लड़की कूड़ा कूड़ेदान में डाल रही है, और दोनों बड़े व्यक्ति उन्हें समझा रहे हैं। ठीक है, अब अंत में इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है हमें ये लिखना है, और अंत में इस चित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने चित्र को ध्यान से देखना है, वो कौन सी जगह का है जगह का नाम बताना है, उसमें कौन कौन है वो बताना है, वो क्या कर रहे हैं ये बताना है। ठीक है, और अंत में इस चित्र के ज़रिए क्या संदेश मिलता है वो बताना है। मुझे आशा है आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।